शशिकांत चौहान, हाँ शशिकांत चौहान, धार मध्य प्रदेश। धार मध्य प्रदेश, ये घर रहने का। ठीक है ठीक। देखिए, माँ बगलाओं की शक्ति सिद्धपीठ सांगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से, अब तक भी जिन जिन लोगों की मेरे द्वारा भविष्यवाणी की गई है, बहुत ही गहन चिंतन मनन और साधना के तपोबल से प्राप्त माँ भगवती की कृपा से, जो आज्ञा चक्र, जिसे कुछ लोग, ज्यादा समझदार लोग, आकाशीय रिकॉर्ड कहते हैं, जो हमारे से संबंधित, हमारे भूत भविष्य से संबंधित, हमारी इस आत्मा से संबंधित हर एक जानकारी ब्रह्मांड में अंकित होती है, ब्रह्मांडी पुस्तकालय में। और साधक लोग जो इष्ट के साथ उस ब्रह्मांड में तार जोड़ लेते हैं अपने इष्ट का, जैसे मैं माँ भगवती बगलामुखी माँ का साधक हूँ, तो माँ भगवती बगलामुखी माँ की ऊर्जा और तपोबल से मैं उस आज्ञा चक्र की ओर आगे बढ़ता हूँ, मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर, और फिर मैं उस भाग्य को देख पाता हूँ। तो जो दिखता है वह सत्य ही दिखता है, और वैसे भी माता बगलामुखी माँ के साधकों को वाक्य सिद्धि होती है, हाँ लेकिन उन साधकों को वाक्य सिद्धि होती है जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि वाले लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं। जो हर किसी के लिए झाड़नी फूकनी करते रहेंगे ना, उन लोगों को वाक्य सिद्धि नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। जो 5 रुपए 10 रुपए के लिए कुछ भी, किसी भी भाग्य में कुछ भी कल्पना कर देना, कुछ भी भविष्य व्यक्त कर देना, किसी का भी अनुष्ठान पूजन जो बिना सोचे समझे जाने ले लेना, आजकल माता बगलामुखी माँ हो या कामाख्या देवी माँ हो, इनके नाम पे इतने पाखंड, ढोंग पाखंड यूट्यूब पे तुमको देखते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि साला ये इतनी बड़ी शक्ति है, इनके बारे में ये छिछोरे लोग कैसे बोल देते हैं। अब मैं आपके भाग्य की ओर आ रहा हूँ, आपका प्रश्न करिए, आपके जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों के मैं आपको सटीक समाधान दूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि मेरे साथ कोई सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा कुछ है? हाँ जी, पहला प्रश्न, आप पहला प्रश्न का जवाब देता हूं मैं। ओम श्री बगलामुखी। पहला प्रश्न कि मेरे साथ कोई सकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। हाँ यह नकारात्मक ऊर्जा है या हाँ, क्या देखो, है? सबसे पहले मैं व्यक्त करूंगा कि आप, आपके जीवन में हनुमान जी और शिव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और इनका पूजन भी करते होंगे आप, हाँ तो जब जिसको बुलाए तो वो तो आता है ना। अगर मंत्र के अधीन भगवान होते हैं तो हनुमान जी और जो हमारे आराध्य भगवान शिव है वो आते हैं, लेकिन प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, संस्कार दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष के कारण जो आपके जीवन में काल बैठा हुआ है, जिसको काल सर्प दोष कहते हैं, वही काल सर्प दोष था जिसने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास करवा दिया, वही काल सर्प दोष के कारण भगवान परशुराम जी भी अधर्मी सहस्त्र अर्जुन से परेशान हुए। तो ये काल सर्प दोष बड़ा डेंजर होता है, परमात्मा ने जिसके जीवन में लिख दिया वो उसी प्रकार का कार्य करता है। तो आपके जीवन में हनुमान जी और शिव जी की कृपा तो है, लेकिन इनकी सिद्धता नहीं है। थोड़ा थोड़ा उनको प्रणाम करने की कोशिश करते हो, साधना करने की कोशिश करते हो, लेकिन फेल हो जाते हो। तुम फेल हो जाते हो, जहां जाते हो विवाद भी खड़ा कर देते हो हाँ और अपने आप को बड़ा विद्वान भी समझते हो तुम। नहीं विद्वान नहीं, इसमें ये कि पहले जो था जितना खराब समय देखा मैंने, हाँ, जो निकल के वापस आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है वो अध्यात्म से ही मिल सकता है, बाकी फालतू बिल्कुल, चीजें अध्यात्म हैं। से ही मिलेगा। हाँ मैं ये वाला है, बाकी नहीं, कोई लेकिन ये तो भी। है कि अपने आप को फिर भी बड़ा ज्ञानी विद्वान समझते हो तुम और डेरिंग से बात करने की कोशिश करते हो हाँ और डरते भी हो, ये तुम्हारी मनोस्थिति है। जीवन में बहुत कुछ कमाने के लिए दौड़ते रहते हो लेकिन खुद ही लूट जाते हो, तो इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न सुनने से पहले पहले प्रश्न को स्पष्ट कर देता हूँ कि आपके साथ हनुमान जी और शिव जी की शक्ति नहीं, क्योंकि उनका जो मूल बीज आपके पास होना चाहिए
वो मूल बीज है नहीं। दूसरी चीज कि उसको जागृत करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपने कोई अनुष्ठान पूजन किया नहीं है, जिसके कारण से काल सर्प दोष के प्रभाव से और जीवन में चंद्रमा भी थोड़ा डाउन है, जिसके कारण से मनोस्थिति बिगड़ जाती है, भाग्य में पितृ दोष लगा हुआ है, क्रोध भी आता है तुम्हें, तो कुछ ऐसे दोष लगे होने के कारण में तुम्हारे जीवन में जो कष्ट बाधाएं आती ही रहती है, और तुम खुद ही शिकार हो जाते हो इनका। बहुत बार उठने की कोशिश किए, जितनी बार उठे उतने बार गिर गए तुम। बहुत कुछ पाने के लिए दौड़ते रहे, लेकिन हर जगह फेल ही आप हुए हो। अब आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा कृपा कर लेगा, क्योंकि पहली बार धैर्य लिया है तुमने। अब देखो, तुमने संयोग राशि कब भेजी थी? मैंने भेजी थी 3 4 5 दिनों, 4 5 दिनों में, 5 दिन पहले आपने 1,000 रुपये परामर्श शुल्क भेजा था। चार भाग्य या 5 दिन हो गए शायद। 5 दिन हो गए, और आपने 5 दिन बाद में आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हाँ और क्या वीडियो देखे थे क्या मेरे? नहीं, मैं तो पहले छिंदवाड़ा में था। जी हाँ, तो यूट्यूब पे वीडियो देखता था, जी 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 है ना। फिर उस समय मैंने कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन फिर ऐसा योगी नहीं बना। फिर यहाँ पे आया मैं सागर, मैंने परीक्षा दी जी जी आगे और पढ़ाई के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया यहाँ पे सागर। यहाँ पे मैंने जो विषय चुना ना, तो विषय के साथ में मैंने जानबूझ के ऐसा विषय चुना जिसमें मुझे समय मिले अलग से, ताकि हाँ। मैं अपना समय इन चीजों में दे सकूं। जॉब काहे की है? जॉब तो वैसे मेडिकल ऑफिसर था मेरा, हाँ। चिकित्सक, तो चिकित्सक का था, लेकिन वहाँ ड्यूटी ज्यादा थी, तो मैंने विशेषज्ञ बनने के लिए ऐसा सब विषय चुना जिसमें मुझे ज्यादा समय नहीं देना पड़े और इसके लिए समय निकाल लूँ। तो मैं सुबह 9 बजे से 5 बजे का काम रहता है यहाँ पे, 5 बजे से फ्री हो जाता हूँ मैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो रात का समय है या सुबह जल्दी उठ के जो करने का समय है, ये मेरे पास फ्री रहता है। अब हाँ। जानबूझ के यही समय रखा है मैंने, ताकि जी जी मैं कर लूँ अपना काम। ठीक है ठीक है ठीक है। और आपका कोई और प्रश्न हो तो बताएं। दूसरा प्रश्न ये था कि मतलब कोई मेरे लिए कोशिश करता है क्या खराब करने का मेरा काम? हाँ, ये सत्य है कि कोई आपके कार्य को खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अच्छा। ये जो आपके कुल के जो अतृप्त पितर हैं, हाँ, यही आपके भाग्य चक्र में आड़ी मार के बैठे हुए हैं। अच्छा। और ये क्या होता है कि जो तुम्हारा मार्ग है, जैसे कि तुम एक मोटरसाइकिल पे बैठकर कहीं यात्रा करने जा रहे हो 50 किलोमीटर। अब आपको जाना तो वहां पे है 50 किलोमीटर दूर, लेकिन बीच में अचानक से ट्रैफिक आ जाएगा तो तुम मार्ग में फंस जाओगे। पुलिस पकड़ लेंगी, बोले लाइसेंस कहाँ है, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है, तो कहीं ब्रेक लग जाएगा, आपको समय हो रहा है लेकिन वहां ब्रेक वो लग जाएगा, सिग्नल बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएंगी, कई बार लाइट फ्यूज हो जाएगा आपकी गाड़ी का, रात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जीवन में आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर आप दोष देते हो कि ये जो पुलिस वालों ने पकड़ लिया था यही गद्दार है साला, यही मेरे को उलझा दिए, अगर आप सोचते हो कि ये सिग्नल ही गड़बड़ है, अगर आप सोचते हो कि ये लाइट साला खराब दे दिया था उसने दुकान वाले ने, नहीं तो फ्यूज नहीं होता, तो अगर इन दोषों की ओर जाओगे तो फिर कभी भी कल्याण नहीं कर पाओगे अपना। और इसकी जड़ की ओर जाते हो तो जड़ की ओर जाओगे तो ये एक ही प्रार्थना से पूरे विघ्न बाधा समाप्त हो जाएंगे, अच्छा। सीधे निकलोगे तो यात्रा आपकी 50 किलोमीटर की पूर्ण हो जाएंगी। तो वो परमात्मा अपनी कुल देवी इष्ट देवी देवता होते हैं वो, और इष्ट की कृपा तो होना बहुत जरूरी। बिना इष्ट कृपा के भगवान राम भी आगे नहीं बढ़े और कृष्ण भी आगे नहीं बढ़े, न ही हमारे नरेंद्र मोदी जी इष्ट कृपा के बिना आगे बढ़े। वो उनने भी दो दो गुरु बनाए तब जाकर उस उच्च शिखर पर पहुंचे हैं वो, तब जाकर जीवन में कुछ कल्याण कर पाए वो। और कोई प्रश्न करिए आपका। ये काल सर्प दोष के लिए कौन सा अनुष्ठान होना चाहिए?
क्योंकि मैं त्र्यंबकेश्वर में 2 बार करवा चुका हूँ पूजा, इसकी त्र्यंबकेश्वर में करवा चुके हो? 2 बार हो गई है। लेकिन अभी भी करवा लोगे ना किसी के पास तो नहीं होगा शांत। अच्छा, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आप सबसे पहले माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लो, और उसके बाद आप मंदिर से यहाँ से करवाओ, हम बताएंगे आपको कि काल सर्पदोष, क्योंकि 21 दिन अनुष्ठान होता है वो। 21 दिन। हाँ, और राहु और केतु का कम से कम 60,000 के ऊपर जाप होना चाहिए दोनों ग्रहों का। अच्छा, 60,000 राहु का, 60,000 उसका केतु। हाँ, हाँ और उसके बाद में बगलामुखी माँ का जाप हो, और वो उसका मूलाधार चक्र जागृत हो जो जाप कर रहा है वो, तभी अच्छा, उसके द्वारा किए गए यज्ञ पूजन सफल हो गए। जिस साधक का मूलाधार चक्र जागृत ना हो, वो दिन में बहुत सारे झूठ बोलते रहता है, दो पैसे कमाने के लिए बहुत सारी हरकतें करने की कोशिश करेगा, वीडियो पे बोलना चालू करेगा तो कुछ का कुछ बोलते जाएगा, तो जब जा साधना आराधना करोगे स्वयं, तो परमात्मा से तार जुड़ेगा, तो तब गुरु आपके लिए जब अनुष्ठान करेंगे तब वो काल सर्पदोष शांत होगा, वरना अभी भी तुम 1,000 जगह चले जाओगे ना तो वो काल नहीं काट पाएगा। और जो महाविद्या के साधक होते हैं, ये जब ग्रहों की शांति करते हैं तो उनका बीज, माँ भगवती का बीज उसमें जोड़ते हैं, संपुटित करते हैं, फिर काल सर्पदोष की शांति करते हैं वो। उसमें क्या है कि नांग भी बनाए जाते हैं, पीठ स्थापना होती है, फिर नदी पे जाके विसर्जन भी होता है, कुछ उसमें क्रियाएं की जाती है, तब जाकर वो काल के जाल से मुक्त होता है। और कोई ठीक प्रश्न है। करो। तीसरा है कि दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और कौन सी माता, साधना मुझे करनी चाहिए? आपको अगर कोई साधना करना चाहिए, आपने तो काल सर्पदोष का मुझे बाद में वर्णन बताया कि मैं 2 बार ना त्र्यंबकेश्वर पूजा करके आया, मैंने इससे पहले जो आपको बता दिया कि काल सर्पदोष है, काल के जाल में आपका जीवन फंसा हुआ है, तो आपको अगर सामान्य साधना करना होता तो अब तक ठीक कहो चुके थे तुम। तुमको एक ऐसी शक्ति की साधना करना है, जैसे कि अगर तुम्हें कोई विधायक परेशान कर रहा है, कोई महापौर परेशान कर रहा है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष परेशान कर रहा है, और तुम्हारे साथ अगर नरेंद्र मोदी जी घूम जाए तो फिर क्या होगा? सब राम रोमे करने लग जाएंगे, आपको मार्ग दे देंगे सब आपका, और मोदी जी ने एक फोन कर दिया वहां से कि हमारा वाला भक्त है, तो फिर जब माँ 10 महाविद्याओं में जो अष्टम महाविद्या है, इनको स्तंभन कारिणी कहा गया है, तो ये जो तुम्हारे जीवन में जो ग्रहों की चाल है, उन चालों को स्थगित करेंगी माँ, तब जाकर तुम्हारे भाग्य में उन्नति होगी। तो अगर एक बगलामुखी साधक या एक आचार्य की मुख से अगर सुनना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से तुम अगर भगवती बगलामुखी माँ की शरण में आए हो तो मैं उन्हीं की ही साधना करना चाहिए, यही माता भगवती तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगी, इनके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अच्छा। 100% आपको माँ भगवती बगलामुखी माँ की दीक्षा लेना चाहिए। माता बगलामुखी माँ की दीक्षा और पूजा में खर्च आता है, शायद ये आपको याद होना चाहिए। जब भी माता बगलामुखी माँ की दीक्षा होती है, किसी साधक को शक्ति प्रदान की जाती है, तो जो भगवती पीठ में विराजमान होती है उनके लिए दिव्य वस्त्र, ठीक है। उनके लिए कंगन, जो भी सामग्री है, पीले नैवेद्य, श्रृंगार, पुष्प, श्रृंगार पूरा। हाँ, श्रृंगार, ये सब माँ को अर्पित किया जाता है। और उसके साथ में दीक्षा के लिए आपको भी स्वयं को कुछ सामग्री खरीदना पड़ता है, जैसे कि कुछ लोग हल्दी की माला लेते, लेकिन हल्दी हम की खराब हो जाती है। हल्दी की खराब हो जाती है, इसीलिए हम सभी हमारे साधकों को, भक्तों को रुद्राक्ष की माला ही बताते हैं, और साधना के दौरान थोड़ी सी हल्दी उसे लगाना है। साथ ही आपको पीला आसन खरीदना होगा, एक पीली धोती साधना के लिए खरीदना होगा। देव स्थान पर जो भगवती, जिस स्थान से, जिस पीठ से आपको दीक्षा मिल रही, वहां की भगवती का
छाया चित्र आपको स्थापित करना होगा, हाँ बगलामुखी श्रीयंत्र आपको लाना होगा, और आपको अगर आप आकर दीक्षा ले रहे हो तो माँ के सम्मुख दीक्षा होगी, और फोन कॉल से ले रहे हो तो यहाँ भी सामग्री आएंगी थोड़ी बहुत, और वहां भी सामग्री आएंगी, अच्छा और फिर उसके बाद में सर्वदेवी देवता पूजन, फिर दीक्षा संकल्प होगा, फिर आपको मार्ग प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आपको 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ऐसा आपको साधना का क्रम मिलता जाएगा। अच्छा जैसे जैसे आपको गुरु आदेश मिलता जाएगा, वैसे वैसे आपको साधना को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। ठीक है। जब 1-2 महीने में आप साधना करना सीख जाओगे पूरी, फिर आपको अनुष्ठान की अनुमति दी जाएंगी। अच्छा उससे पहले अनुष्ठान की अनुमति नहीं दी जाएंगी, और 4 से 5 हजार रुपए का पूजन खर्च आता है, अच्छा 4 से 5 हज़ार पूजन कर। क्योंकि माता रानी के लिए हम वस्त्र लाएंगे, क्योंकि इसमें जब दीक्षा होती है तो गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद पाने के लिए गुरु को भी भक्त लोग भेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि थोड़ी पूजन सामग्री आती है। जब स्वयं भी अनुष्ठान करोगे आप, तो अगर 3600 का अनुष्ठान करोगे तो 360 बीज मंत्र की आहुति देना पड़ेगा, अच्छा और हवन के लिए सामग्री लाओगे स्वयं भी तो 2100-2200 रुपए की हवन सामग्री आएंगी। ठीक है। अगर 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो 11,000 बीज मंत्र का जो दशांश हवन होगा वो 1100 बीज मंत्र की आहुति, उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की हवन सामग्री लगेंगे। क्योंकि ये महाविद्या है, महाशक्ति है, जो मार्केट से जो हवन सामग्री मिलती है वो सामग्री इनकी पूजा में उपयोग नहीं की जाती है हाँ, इनका विशेष रहता है। विशेष। और दूसरी चीज कि अगर आपके घर पे ही किसी की शादी हो तो अकेला चावल और दाल बना दूंगे तो क्या सब रिश्तेदार मान जाएंगे क्या? तो जब भगवती को हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी बड़ी शक्ति से कुछ विशेष तो देंगी ना माँ भी। अरे भाई, इतनी महाशक्ति का तुम भजन कीर्तन करोगे, इनकी साधना करोगे, तो ये भी तो तुमको मान बनाएंगी ना। तो इनके जो भक्त होते हैं ये कहते हैं कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। तो इनका भक्त कभी भी हताश, निराश, उदास नहीं रह सकता माँ बगलामुखी का। बस साधक होना चाहिए। मैंने अब तक जो बातें करी उसमें कोई एक ऐसी भी बात नहीं जिस बात को मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ सही है। हाँ, कुछ लोग इतनी ही बातें करने में इतनी झूठ बोल देंगे, झाड़ पे चढ़ा देंगे तुमको, नहीं सही है इतना। लेकिन महाविद्या के साधक झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। और किसी को अगर कामना भी कर ले, श्राप की कामना, तो सिद्ध हो जाती है वो। इसीलिए ये लोग हर भक्त के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, असंभव को भी संभव बनाने के लिए कार्य करते हैं। और पराशक्ति है, माँ की महिमा का वर्णन करना ही बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने माता की साधना करी। अभी बीच में संजय दत्त निराश और हताश होकर नलखेड़ा जाकर पूजन करवाया। नलखेड़ा मैं अभी भी जाता हूँ पंडित जी। हाँ, नागेश्वर महाराज जी के जीवन में शत्रु भाव आया तो वो दतिया जाकर पूजन करवाए। नलखेड़ा में करीबन 2 से 3 साल हो गए हैं, मतलब 4 या 5 महीना होता है कि मेरा एक राउंड लगता है। वहां हाँ जाता हूँ, पूजन हाँ कराता हूँ, हवन करवाता हूँ। हाँ ये सत्य है कि हाँ वहां माँ भगवती बगलामुखी माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है, हाँ लेकिन वहां साधक कहाँ है मुझे बताना, साधक जो नहीं है वो। जो सत्संग कर सके, तुमको भक्ति का मार्ग बता नहीं सके। नहीं हाँ, नहीं है। उलझाने वाले अनेक मिलेंगे तुमको हाँ तो बहुत वहां। सारे हैं। हाँ, वहां तो ठीक ढंग से माँ के चरणों में अगर कोई वस्त्र भी ले जाऊंगे ना, तो कोई भेंट नहीं कर पाएगा माँ, नहीं क्योंकि होता, आजकल सब, आपको पता है क्या चल रहा है, प्रोफेशनल कर दिया सब सब, प्रोफेशनल चल गया यार, बैचलर। एक से बढ़कर एक लगे हुए हैं मंदिरों पे, मठ मंदिरों पे कब्जा करने के लिए, लेकिन एक भी नया मंदिर बनाना नहीं चाहता कोई व्यक्ति। नहीं बने ना, हाँ माता जी के हैं कहाँ। मैंने वहां के बाद दूसरा आपका ही सुना है, बाकी हाँ और एक अपनी गुरु बाकी माँ, कहीं नहीं है। एक हमारी गुरु माता जी, उनका सिवनी में। हाँ शिवनी में हाँ है, शिवनी हाँ में, हाँ हाँ शिवनी से फिर आपका, बाकी हाँ बिल्कुल कहाँ है, कहीं नहीं है एमपी में। बिल्कुल। देखो, इसके लिए अगर हमने माँ का मंदिर बनाया तो माँ का विग्रह को लाया तो कितनी कठोर परीक्षाएं देना पड़ा ना। माँ ने पल पल पे इतनी परीक्षाएं ली, गन्ने जैसा रस निकला कि
हमने माँ का मंदिर बनाया, एक एक रुपए बड़ी मेहनत से कठोरता से कमाया, माँ के मठ में लगाया, माँ के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर उतने बड़े दिव्य गुरु जिन्होंने तीन तीन माँ की समाधि ली है, उतने दिव्य बड़े गुरु के द्वारा माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बड़ा लंबा रहस्य है माँ का।